बाबापुरवा थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी करके घर से भाग रहे चोर को दुकानदार ने पकड़ा। चोर ने दुकानदार को ब्लेड मार कर किया घायल। सूचना मिलने पर बाबूपुरवा पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को थाने ले आई। घायल दुकानदार भी थाने पहुंचा, परंतु पुलिस ने घायल को मुकदमा नहीं लिखा, ना ही डॉक्टरी परीक्षण कराया। सूत्रों द्वारा बताया गया है कि चोरी की मां बाबूपुरवा पुलिस की करती है दलाली, इसी कारण पुलिस ने माल बरामद सहित चोर को पकड़ा, परंतु दलाली के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बाबूपुरवा निवासी चांद बाबू के घर में रखे मोबाइल को झींगा नामक युवक चोरी करके भाग गया। जब दुकानदार ने चांद बाबू को देखा तो उसे दौड़कर पकड़ लिया। मोबाइल चोर ने चांद बाबू पर ताबड़तोड़ ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। खून से लथपथ चांद बाबू ने मोबाइल चोर को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बाबूपुरवा पुलिस ने झींगे नामक युवक को थाने ले आई। जख्मी युवक भी थाने गया, परंतु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही घायल चांद बाबू का डॉक्टरी परीक्षण कराया। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ आपके पिताजी के साथ? हम खाना खा रहे थे, आया वो मोबाइल लेके भागा, मेरे पापा दौड़ के लगा दौड़ लगा दिन, मोबाइल छीन लिन, ब्लेड मार दिन उनके। किसने ब्लेड मारा था? नाटी का लड़का झींगे। और उसके साथ कोई था? पपैया। आप इसके लिए थाने गई थी? थाने गए थे, पापा लोग चले आए थे। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। क्या मामला हुआ आपके साथ? मोबाइल चोरी करने जा रहा था, चोरी करके ले जा रहा था, पकड़ के छीना तो ब्लेड मार के चला गया है। कौन? झींगा नाटी लड़का। कहाँ पर रहता है वो? नंगे पर तरफ। आप थाने चौकी गए थे? चौकी गए थे। क्या हुआ? कहीं जाओ पट्टी करवा लो। गए हम लोग, गए थे पुलिस वाले, वो मिला नहीं है, कहीं सुबह आना पट्टी करवा लो जाके। तो आपकी डॉक्टरी करवाने के लिए पुलिस वालों ने भेजा आपको? नहीं भेजा है, पट्टी करवाने का, पट्टी करवा लो। आप कौन सी चौकी गए थे? ये बाबूपुरवा बाकरगंज। आप कानपुर कमिश्नर से क्या मांग करते हैं और हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करते हैं? हम ये कहते हैं मेरी जो है ये देखे जाए, उसको केस दिया जाए। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।